अलशारे वुमेन्स डिग्री कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। गुलबर्गा शहर के यदुला कॉलोनी में मौजूद अलशारे बीएससी वुमेन्स डिग्री कॉलेज माइनॉरिटीज़ का सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रुमाना आफरीन ने डिटेल्स बताते हुए कहा, वुमेन्स बीएससी डिग्री कॉलेज साल 2017 में स्टार्ट किया गया था और काफ़ी कम वक्त में इस कॉलेज के स्टूडेंट्स कर्नाटका स्टेट के रैंक्स दे रहे हैं। इस कॉलेज के टीचिंग स्टाफ की मदद से हार्डवर्क कर स्टूडेंट्स बेस्ट रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। अलशारे वुमेन्स डिग्री कॉलेज में बीएससी के कुल 3 कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहला कोर्स पीसीएम और सीबीजेड है और दूसरा कोर्स कंप्यूटर साइंस और तीसरा कोर्स क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स है। ये तीनों कोर्स आज के दौर में खासकर लड़कियों के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कोर्स को सीखने से लड़कियाँ कई मुख्तलिफ फील्ड में जॉब हासिल कर सकती हैं, जो कि इंजीनियर और डॉक्टर के लेवल की वैल्यू देता है। अगर आप अपनी लड़कियों को एक बेहतर बीएससी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यदुला कॉलोनी में मौजूद अलशारे बीएससी वुमेन डिग्री कॉलेज एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। याद रहे, यहाँ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए आप जल्द एडमिशन कराएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप अलशारे बीएससी डिग्री कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मैं डॉक्टर रुमाना आफरीन, प्रिंसिपल अलशारे डिग्री कॉलेज की जानिब से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अलशारे डिग्री कॉलेज की शुरुआत 2017 से की गई है और यहाँ पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हर साल पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली बैक टू बैक कर्नाटक स्टेट के रैंक्स दे रहे हैं। ये एक माइनॉरिटीज़ का सबसे बेहतरीन कॉलेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स हार्डवर्क करते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। बैक टू बैक हमारे पास रैंक्स आ रहे हैं और हमारे पास बीएससी के 3 कोर्सेस अवेलेबल हैं। बीएससी का पहला कोर्स पीसीएम और सीबीजेड से है, दूसरा बीएससी का कोर्स कंप्यूटर साइंस से है, तीसरा बीएससी का कोर्स क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से है। ये तीनों कोर्स ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है उनके स्किल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस का कोर्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से एक बहुत ही स्टैंडर्ड बीएससी कोर्स रखा गया है, वो 3 साल का कोर्स है जिसका इक्वल वेटेज है एक इंजीनियरिंग कोर्स से जो कंप्यूटर से किया जाता है। यहाँ पर बच्ची 3 साल के कोर्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखती है, डिफरेंट प्रोग्राम सीखती है, वेब डेवलपमेंट सीखती है, डाटा एनालिसिस सीखती है, डाटा प्रोसेसिंग सीखती है। और आपको जैसा कि मालूम है फिलहाल वर्क फ्रॉम होम एक कंडीशन चल रही है। वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा प्रोफेशनल स्किल है जहां पर बच्ची डिग्री कंप्लीट करके वो सारे घर से करते हुए काम अर्न कर सकती है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे अपनी एक प्रोफेशनल स्किल डेवलप कर रहे हैं जो नावडेज बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट हो रही है। इससे पहले हम देखते थे कि वो सिर्फ टीचिंग लाइन में होते थे या फिर कोई एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस के वर्क करते होते थे, लेकिन अब इस कोर्स की बदौलत जो एक इंजीनियरिंग से इक्वल वेटेज रखता है कोर्स, वहाँ पर बच्ची ना ही टीचिंग के एरिया में बल्कि कई सारे एरिया में वो बच्ची बिल्डअप कर रही है अपने प्रोफेशनल स्किल्स को। वो डाटा मैनेज कर रही है, वो डाटा एनालाइज कर रही है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, वेब डेवलप कर रही है, सारे चीज़ें कर रही है। इसके अलावा भी घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रही है। इसमें तीसरा कोर्स जो हमारे पास है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है। वो एक मेडिसिन लाइन का कोर्स है जहाँ पर बच्ची एक न्यूट्रिशनिस्ट एज हॉस्पिटल में वर्क करती है या डाइटिशियन एज इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस वर्क करती है। इसके अलावा वो टीचिंग फील्ड में भी रहती है और रिसर्च बैकग्राउंड में भी जाती है। ये कोर्स बहुत ही मॉडर्नाइज्ड प्रोफेशनल स्किल्ड बेस्ड कोर्स है जहाँ पर बच्ची एक डॉक्टर ही कहलाती है। सारे चीज़ें वो ये कोर्स के दरमियान सीखती है। इसमें इंटर्नशिप भी होती है जो हॉस्पिटल में दी जाती है। हर हॉस्पिटल में एक न्यूट्रिशनिस्ट होती है, सीनियर जूनियर, जो डाइट डिसाइड करती है पेशेंट की। तो ये पेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मॉडर्न लाइफ में। ये कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में और
डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में बहुत ही कम और लिमिटेड सीट्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गुलबर्गा के तमाम पेरेंट्स से कि ये जो कॉलेज बच्चों को हर चीज़ में डेवलप करवा रहा है, ना ही हार्डवर्क में, ना ही टीचिंग में, अदर फील्ड्स में भी उनको डेवलप करवा रहा है, तो मेरी यही कोशिश है कि सारे गुलबर्गा वाले ये बात को समझें और हमारे कॉलेज की अहमियत जानें, जहाँ पर बच्ची बहुत हार्डवर्क करती है, प्रोफेशनली बिल्डअप होती है, स्किल्ड वाली बनती है। तो आप लोग यहाँ पर आए, जल्द से जल्द सीट्स फुलफिल कीजिए जो लिमिटेड हैं, एज सून एज पॉसिबल।